खेल जगत में देश प्रदेश स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त द्वारा शासन की मंशा अनुरूप प्रयास लगातार जारी है। ऐसे में नासिक में आयोजित नेशनल खो खो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम रवाना हो रही है, जिसमें खरगोन बड़वानी धार जिले के कुल 4 लोगों का चयन हुआ, जिसमें खरगोन के भास्कर राव पाटिल शामिल है। बताया जा रहा है कि बुरहानपुर में ट्रेनिंग के बाद ये छात्र नेशनल स्तर पर प्रतिभा का जोहर दिखाएंगे, जिसे लेकर छात्रों का सम्मान करके शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य ने खिलाड़ियों का सम्मान करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें छात्र का चयन होने पर सहायक आयुक्त ने पुष्प मालाओं से छात्र का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। पर खेलने जा रहे हो, कैसा खेल था और किस स्पर्धा के लिए आपका ये चयन हुआ है? खो खो के लिए हमारा चयन हुआ है। हम नासिक खेलने जा रहे हैं और बुरहानपुर में हमारी ट्रेनिंग रहेगी। किन से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया? कोच से। क्या चुनाव लिखते हो? भास्कर राव पाटिल। अभी अगली स्पर्धा में आप जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि कैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा? परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। खो खो के लिए चयन हुआ है, जनजाति कार्य विभाग के बालक सेगांव का है, ये सीएमएस संस्था से है और युवराज है, और हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी जो अश्विन सर है, इनका बहुत ही हमारे लिए योगदान रहा है, इन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कुछ बच्चे लोग और भी साथ में आपके जो आज आपके दल के साथ जा रहे हैं, इनकी क्या उपलब्धियां थी? ये भी कुक्षी धार के हैं, धार जिले से हैं, ये भी बुरहानपुर मेरे साथ चयन के लिए गए थे। जब साले विभागीय हुआ था वहाँ पे इनका चयन हुआ, यहीं से खरगोन जिले से भी एक बालक का चयन हुआ है। अब ये प्रशिक्षण लेंगे बुरहानपुर में और वहाँ से नासिक के लिए नेशनल खेलने के लिए जाएंगे। आज हमारे सहायक आयुक्त साहब ने इनकी हौसला अफजाई की, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं खरगोन जिले से ही हूँ और हमारे सहायक आयुक्त महोदय का हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है कि जो हमें हर बार मोटिवेशन देते रहते हैं और हर कार्य के लिए हमें पढ़ाते रहते हैं कि आप अच्छा कार्य कीजिए तो अच्छा ही रहेगा। खरगोन के खाते में जुड़ते जा रही है, निश्चित रूप से खरगोन जिले के व्यायाम शिक्षक और प्राचार्यों का सहयोग बहुत अच्छा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए रहता है, और हमारे यहाँ भी काफ़ी अच्छी खेल संभावना है, मजबूत खिलाड़ी है, आदिवासी वर्ग है, जनजाति कार्य विभाग स्पेशली इंटीरियर के क्षेत्रों में काम करते हुए अच्छी से अच्छी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। प्रतिवर्ष कोरोना के पहले तक हमारे करीब 25 बच्चे जाते थे, 2 साल हमारा कोरोना में खराब हुए, अब फिर से नया जोश और जुनून के साथ सभी जगह हैं और हमारे बच्चे नेशनल जाना चालू हैं। खो खो में ही 2 बच्चों का नेशनल हो गया, बेसबॉल, डॉजबॉल, नेटबॉल, एथलेटिक्स सभी में हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये परफॉर्मेंस नियमित रहे इसके लिए हमारे सहायक आयुक्त महोदय का निरंतर मोटिवेशन रहता है और वह हमेशा हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं कि यदि अच्छे से अच्छा प्लान बनाएं और अच्छे से अच्छा उसको एग्जीक्यूट करें। निश्चित रूप से इस वर्ष भी हमारी उपलब्धियां अन्य जिलों से और जनजाति कार्य विभाग में हमारा एक मुकाम हासिल करेंगे प्रदेश में, यही शुभकामना। अश्विन गुप्ता। 4 लोग आपके साथ कुक्षी क्षेत्र से और इस स्पर्धा के लिए जा रहे हैं और आपने इनको शुभकामना संदेश दिया, क्या मकाम रहेगा इनका अगला और कैसे लोग जाएंगे और क्या उपलब्धि थी? इन लोगों का चयन खो खो के नेशनल के लिए हुआ है, जिसमें हमारे खरगोन जिले से युवराज का चयन हुआ है और धार जिले से भी बच्चे आए हुए हैं जो यहाँ से जा रहे हैं और ये नेशनल में खेलेंगे बच्चे। इसके पहले इनका प्रशिक्षण होगा बुरहानपुर में, वहाँ से फिर नेशनल के नासिक में जाएंगे और निश्चित रूप से हमारे कोच ने इसमें काफ़ी मेहनत की और उम्मीद है कि हम लोग नेशनल में भी पदक लेके आएंगे। इसके पहले भी कई स्पर्धाओं में खरगोन के बच्चों ने अच्छा मुकाम हासिल किया है, बिल्कुल आने वाले समय के लिए उनके लिए क्या संदेश देंगे? बिल्कुल किया और निश्चित रूप से जो मुकाम जो लोगों ने किया है हम उससे आगे बढ़ के और आगे जाएंगे और हम लोग उपलब्धियां हासिल करेंगे। आए दिन सुनने में आता है कि खरगोन से काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन होते रहते हैं, तो आप इसका और कौन सा एक अच्छा कदम उठाएंगे आने वाले समय में कि इन लोगों को एक अच्छा परफॉर्मेंस मिले? हम लोगों ने इसके लिए कार्य योजना तैयार की है और इसको हम लोग शीघ्र लागू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ना केवल खो खो में बल्कि अन्य स्पर्धाओं के लिए भी बच्चों को चयन कराएंगे और नेशनल में अपना नाम जिले का नाम रोशन कराएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।